फ्रेंड्स, वेलकम टू द हैप्पीनेस बॉक्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ जी, आज का टॉपिक होने वाला है ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस पे, कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो क्या प्रोसेस हो सकता है, कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ सकती है और कैसे आपको करना है। सो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो उस कंट्री से आप 3 साल पुराना जो भी है अपना फुल लाइसेंस लेकर आए। अगर आपका 3 साल पुराना लाइसेंस आप नहीं लेकर आते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको लर्नर परमिट दे दिया जाएगा, और लर्नर परमिट ये होगा कि आप उस लर्नर परमिट के बेसिस पे आप ड्राइविंग तो कर सकते हो, लेकिन आप जैसे उबर ईट्स करना हो, आपको यहाँ पे फूड डिलीवरी करनी हो, या आपको टैक्सी करनी हो, उबर टैक्सी करनी हो, तो आप नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ अगर आपको उबर ईट्स करनी है, आपको उबर टैक्सी करनी है, तो आपके पास विक्टोरियन फुल लाइसेंस होना मैंडेटरी हो गया है। सो अप्रैल 2021 के बाद से यहाँ पर कंपलसरी है कि आपके पास फुल लाइसेंस, विक्टोरियन फुल लाइसेंस होना चाहिए अगर आपको ड्राइव करना है तो, और आपको अगर उबर ईट्स करना है, टैक्सी करना है, तब भी आपके पास विक्टोरियन फुल लाइसेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपका एप्लीकेशन ही नहीं लेंगे, प्रोसेस ही नहीं करेंगे। सो जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, मेक श्योर कि आप 3 साल पुराना लाइसेंस लेकर आओ और फुल लाइसेंस लेकर आओ। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हो उसके बाद में आपको आपका लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट कराना पड़ता है। सो कन्वर्ट कराने के लिए उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। इधर आप इवन आप मोटरसाइकिल या बाइक का लाइसेंस लेना चाहते हो यहाँ पे, या स्कूटी का लेना चाहते हो, या तो आप कार का लेना चाहते हो, तो दोनों ही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि कितना कॉस्ट इसमें आपको लग सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले प्रोसेस में हम बात करेंगे मोटर बाइक की या स्कूटी के लाइसेंस की। सो पहला चीज़ है कि आपको यहाँ पे नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है। तो नॉलेज टेस्ट क्या है? तो नॉलेज टेस्ट का फॉर्मेट जो है वो आपको विक्टोरियन के जो लाइसेंस जहाँ भी आप बनवा रहे हो उसके वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप गूगल करोगे तो आपको नॉलेज टेस्ट के काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिस पे आपको बताएगा कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिससे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने होते हैं, और ये अराउंड मेरे ख्याल से 30-35 क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ दैट आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो भी क्रैक करने होते हैं। आप 5 या 6 क्वेश्चंस रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पासिंग मार्क्स ही 80% है। अगर 80-85% आपके आ रहे हैं तो विच इज़ अ पासिंग मार्क। उससे ज़्यादा अगर आप नहीं कर पा रहे स्कोर तो आप फेल हो सकते हो, उससे कम अगर आपने कर दिया तो आप फेल हो सकते हो। तो नॉलेज टेस्ट जो होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिखता है फ्रेंड्स। सो इस तरह के नॉलेज टेस्ट में कुछ उन लोग 25-30 क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड यू हैव टू आंसर एटलीस्ट 25 करेक्ट आंसर्स, सो दैट आप वो टेस्ट पास करोगे। और इसका कॉस्ट होता है अराउंड $55-$60 पर टेस्ट। अगर आप वो टेस्ट फेल कर जाते हो बाय एनी चांस, तो आपको फिर से नॉलेज टेस्ट देना है, क्योंकि जब तक आप नॉलेज टेस्ट पास नहीं करते हो या जब तक आप नॉलेज टेस्ट पूरी तरह क्लियर नहीं करते हो, तब तक आप हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट नहीं दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप नॉलेज टेस्ट पास कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट देना है। अब हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट क्या होता है? आपने वीडियो गेम्स पे, आपने कार रेसिंग की गेम्स के लिए या आपने कोई कार से रिलेटेड गेम्स के लिए, तो बस वीडियो गेम पे ये इसी तरह का कुछ होता है। तो जो नॉलेज टेस्ट होती है वो भी कंप्यूटर पे होती है। आपको कंप्यूटर पे जाना होता है, जो भी आता है क्वेश्चंस आते हैं आपको कंप्यूटर पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उसमें से आपको एक क्लिक करना होता है पर ऑप्शन, और उस हिसाब से आप वहाँ पे आप वो टेस्ट देते हो। जो हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट होता है वो भी कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। वो इट्स लाइक यू नो कि आपको कंप्यूटर पे गाड़ी चला के दिखानी है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्टी मैं कहूँगी, क्योंकि जब मैंने वो टेस्ट दिया था तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि इतने एक्यूरेट टाइम पे लेफ्ट कहाँ लेना है, एक्यूरेट टाइम पे राइट कहाँ लेना है, एक्यूरेट टाइम पे ऐसे कैसे करना है, तो काफ़ी सारा डिफ़िकल्टी हो जाती है। आप कंप्यूटर पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जब आपको ये होना हो कि आपको एग्जैक्टली आपको वो टेस्ट क्लियर करना हो। बिकॉज इसमें भी ये होता है कि आपको कुछ 20-25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, 5 क्वेश्चन ही जो है वो रॉन्ग होने चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे टेस्ट। सो हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली है, तो शायद आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, कि आप गूगल भी करोगे तो आपको हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट काफ़ी सारे मिल जाएंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि वही टेस्ट आएंगे, उससे सिमिलर टेस्ट आएंगे। सो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाओगे। डू प्रैक्टिस एंड तभी आप वो टेस्ट क्लियर कर पाओगे। और हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट की भी कॉस्ट अराउंड $60 to $70 के आसपास होती। अभी अगर चेंज हो गई होगी तो मुझे नहीं पता, मेरे टाइम पे इतनी थी। दोनों टेस्ट अराउंड $150 के आसपास हो जाते हैं आपको, जो भी दोनों अपने नॉलेज टेस्ट और हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट आप करोगे दोनों ही उस रेंज में हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से भी हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट फेल कर दिया तो आपको फिर से फीस पे करने पड़ जाएगी हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट की, और आपको फिर से वो सारा टेस्ट देना पड़ेगा,
और तब तक आप ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे सकते हो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। परसेप्शन टेस्ट के बाद में क्या, तो अब जैसे ही आप हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपको ड्राइविंग टेस्ट देनी होती है। बट उस ड्राइविंग टेस्ट को देने से पहले आपको 2 डे लर्निंग कोर्स करना होता है। यस, इट इज़ मैंडेटरी टू डू अ 2 डे लर्निंग कोर्स हियर। 2 डे की ट्रेनिंग कोर्स होती है यहाँ पे, वो आपको करनी पड़ती है। तो ये 2 दिन की जो कोर्स होती है उसके लिए आपको पे करने हैं $550। सो हाँ, बहुत कॉस्टली है यहाँ पर लाइसेंस लेना। सो जो 2 दिन की जो ट्रेनिंग करनी है उसके लिए आपको $550 यहाँ पे करने हैं। और ये है बाइक और मोटर बाइक और जो स्कूटी का लाइसेंस होता है, ये मैं उसके लिए बात कर रही हूँ। कार के लिए आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कार अगर आपको चलाते आती है या अगर आपको चलाते नहीं आती, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो यहाँ पे रास्तों को लेके, तो आप उसके लिए अपनी तरफ से $100 या $200 दे के कोई पर्सनल ट्रेनर से आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो आपको ट्रेनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कार में। लेकिन बाइक में ये मैंडेटरी है कि आपको 2 डे का लर्निंग कोर्स जो ट्रेनिंग होती है वो आपको करनी है। अब इस 2 डे के लर्निंग कोर्स में पहले दिन क्या होता है, तो पहले दिन आपको जो है वो बेसिक बताएगा कि कैसे हेड चेक करते हैं, यहाँ के जो बेसिक रूल्स है रेगुलेशंस है वो आपको समझाए जाएंगे कि यहाँ पे जो कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। अगर आप इंडिया में अगर आपने स्कूटी चलाई होगी तो आई एम श्योर यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बट यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे आप जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो इंडिया के जैसे नहीं है। कि आपने इंडिया में कहीं पे कुछ भी चला लिया, आपसे गलती हो गई तो आपको कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे बहुत इशू होगा। यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपने एक भी गलती की, अगर आपने फ़ाइन, अगर आपने रेड सिग्नल तोड़ दिया, आपने अगर जहाँ पे यू टर्न लेना मना है वहाँ से आपने यू टर्न ले लिया, आपने अपनी गाड़ी की स्पीडिंग कर ली, अगर 60 की जोन में आप चला रहे हो तो आपने 50 या 55 के आसपास ही चलाना है, आपकी स्पीडिंग उतनी ही होनी चाहिए। अगर आप 55 की मतलब 60 की जोन में अगर आप 62 या 63 भी चलाते हो ना, तब भी आपको स्पीडिंग का फ़ाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह से फॉलो करो। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर अच्छी तरह से फॉलो करके गाड़ी चला लेते हो तो फिर कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, और आपको लाइसेंस भी फिर इसी हिसाब से ईजीली मिल जाएगा, बिकॉज आपके लाइसेंस टेस्ट में यही सब वो ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने 2 डे के लर्निंग कोर्स पे। अब 2 डे के लर्निंग कोर्स पे आपको क्या करना है, फर्स्ट डे आपको ये सब बेसिक रूल वो बताएंगे, इसके बाद में एंड ऑफ द डे अलग से आपकी एक और नॉलेज टेस्ट होगी। आप बोलोगे कितनी टेस्ट देनी पड़ती है, हाँ जी यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट आपको क्लियर करनी पड़ती है, इतना ईजी नहीं है यहाँ पे विक्टोरियन लाइसेंस लेना। तो आप उस जो फर्स्ट डे होता है जब आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं, तब बाद में आपकी एक आपको एक ब्रोशर देगी जिसमें वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको देखने हैं समझने हैं। एंड में एक नॉलेज टेस्ट होगा, उस नॉलेज टेस्ट में 30 क्वेश्चंस हो गए, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस पास करने हैं। अगर आपने 20 गलत कर दिए, मतलब आपने 25 से कुछ गलत कर दिया, 24 या 23, तो आप टेस्ट फेल हो और आपको फिर से वो टेस्ट देना है। और आपको उस टेस्ट को देने के लिए फिर से $150 भरने हैं और फिर से उस टेस्ट को देना है। सो यहाँ पे बहुत खर्चा है। अगर आप फेल होते हो यहाँ पे किसी भी टेस्ट में, आपके पास आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी जेब ढीली करनी पड़ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे देने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है यहाँ पे। सो मेक श्योर कि आप सारी एग्ज़ाम्स टाइम पे और अच्छे से पास कर जाओ। अब सेकेंड डे पे क्या होगा, अगर आप नॉलेज टेस्ट पास कर लेते हो तभी आपको सेकेंड डे की ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे कि अगर फर्स्ट डे की जो नॉलेज टेस्ट होती है वो पास होनी इंपॉर्टेंट है, जब वो पास कर लेते हो आप तभी आपको सेकेंड डे की जो है वो ट्रेनिंग मिलेगी। अब सेकेंड डे की ट्रेनिंग में क्या होगा, सेकेंड डे की ट्रेनिंग में वो आपको उसके आगे का बताया, कैसे चलाते हैं, कैसे ब्रेक होने चाहिए मारने चाहिए, आपको कैसे क्या करना चाहिए, से टर्न लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो बेसिक है वो। और वो आपको रोड पे यहाँ पे लेके जाएगा, वो आपको बताया कैसे चलाना है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ बेसिक है जो आप कर सकते हो ईजीली। सो यहाँ पे जब आपने अपना सेकेंड डे की ट्रेनिंग जब आप पूरी कर लेते हो, जब आप ये बेसिक जो चीज़ें आप समझ लेते हो, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये होगा कि आपको $250 और पे करने पड़ेंगे। यस, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे लाइसेंस लेना, मैं बार बार यही बोल रही हूँ आपको, क्योंकि पहले टेस्ट में हमने कुछ अराउंड $150 पे किए, उसके बाद हमने अराउंड 550 2 डे लर्निंग कोर्सेज के लिए दिए, अगेन हमने $250 अभी हमें पे करना है, वो है ड्राइविंग टेस्ट के लिए। सो कुल मिला के अब तक मैंने 900 के अबाव पे कर दिया है। सो स्कूटी का लाइसेंस लेना आपको अराउंड $1000 के आसपास पड़ सकता है। सो इतना जो है वो स्कूटी के लाइसेंस का कॉस्ट है। सो अब क्या, अब लाइसेंस टेस्ट में आपको क्या करना है कि लाइसेंस टेस्ट में वो आपको एक रूट बताएंगे कि ये रूट आपको फॉलो करना है, कि यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है,
10 मिनट का जो होता है वो ड्राइविंग टेस्ट होता है, हार्डली 10 मिनट आपको चलाने के लिए बोलेंगे और वो आपको एड्रेस बताएंगे, और वो आपको एड्रेस जो है वो मैप से देख कर नहीं बताएंगे कि आपको मैप फॉलो करना है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती, वो आपको मैन्युअली बोर्ड पे बता देंगे कि ये एड्रेस है, इस तरह से आपको राइट लेना है, इस तरह से आपको लेफ्ट लेना है, और उसी को आपको दिमाग में बिठा कर आपको चला के दिखाना पड़ेगा। सो आप जब लाइसेंस टेस्ट लेते हो तो ड्राइविंग टेस्ट में फिर आपके पीछे एक इंस्ट्रक्टर रहती है या रहता है, जो भी आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर रहेगा वो पीछे से बाइक लेके चलाएगा और आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप कैसे बाइक चलाते हो, कि आप स्पीडिंग करते हो कि नहीं करते। 60 के जोन में आइडली आपको 50 तक चलाना, 50 की स्पीड में ही चलाना चाहिए, तो आपने वो ध्यान रखना है कि भाई हाँ 60 का जोन है, मैंने 50, 52, 53 तक ही चलाना है, उससे ज़्यादा मैंने स्पीडिंग नहीं करनी है। प्लस आपने इंडिकेटर दिए है कि नहीं कि आपको राइट जाना है, तो आपने 5 सेकंड पहले यहाँ पर राइट का इंडिकेटर दिया है कि नहीं, लेफ्ट का इंडिकेटर दिया जाना तो लेफ्ट का दिया है कि नहीं। प्लस आपने अगर आपको क्रॉस करना है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब तक कि सारी गाड़ियाँ नहीं चले जाती है जो दोनों तरफ से आ रही है और रोड आपको क्लियर नहीं दिखता है, तब तक आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, वो हैज़र्ड माना जाता है, वो माना जाता है कि वो सेफ नहीं होता, तो आपको वो भी चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर अगर आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है यहाँ पर, तो अगर आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हो, अपनी गाड़ी या बाइक निकाल रहे हो, तो आपको अगर कोई पेडेस्ट्रियन खड़ा है तो पहले उस पेडेस्ट्रियन को जाने देना है, उसी के बाद आप गाड़ी निकाल सकते हो आप, या उनके जाने के बाद ही आप जब सेफली वो चले जाते हैं तभी आप वहाँ से रश कर गाड़ी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप रश करोगे या पहले आप जाओगे बाद में आप उनको जाने को कहोगे, मतलब मौका दोगे, तो ये इंडिया में होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, पहले आपको उन्हें जाने का मौका देना है फिर ही आप जा सकोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंस्ट्रक्टर नोट करता है और इसी के बेसिस पे आपको जो है वो लाइसेंस का जो पास आप हो या नहीं हो, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए है या नहीं है, वो डिसाइड करता है, और उसी के बेसिस पे आपको लाइसेंस आप टेस्ट में पास हो या नहीं हो वो डिसाइड करके देता है। अगर आप लाइसेंस टेस्ट में पास हो जाते हो तो बहुत ही बढ़िया, 4 वीक के अंदर आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको विक्टोरियन लाइसेंस आ जाएगा। अगर आप बाय एनी चांस लाइसेंस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको फिर से यहाँ पे लाइसेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको फिर से $250 यहाँ पे करने पड़ जाएंगे, और फिर से आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, आपको 2 डे लर्निंग क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको लाइसेंस टेस्ट के लिए जो भी प्रोसेस होता है, पैसे जो होते हैं वो देने पड़ेंगे और फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप लाइसेंस टेस्ट पास कर जाते हो तो फिर क्या, तो फिर आपको वापस से यहाँ पे $82 पे करने हैं। यस, यहाँ पे खर्चा जो है बहुत, यहाँ पे लाइसेंस लेना इजी नहीं है, ये कंट्री बहुत ही एक्सपेंसिव है और यहाँ पे सब चीज़ों के लिए मनी तो चाहिए ही है। सो यहाँ पे जब आप लाइसेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको $82 और पे करने हैं। उसके बाद जो है 4 वीक्स के अंदर आपका जो भी है बाइक का लाइसेंस वो आपको मिल जाएगा, वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, आप 3 साल तक इसे चला सकते हो। 3 साल बाद आपको फिर से जो है वो अब या तो रिन्यू करा सकते हो, या जो भी प्रोसेस यहाँ का, जैसे भी यहाँ के लॉ होते हैं चेंज हो जाते हैं लॉ कभी कभी यहाँ के, कि आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो 3 साल बाद का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको उस टाइम के लिए पड़ेगा। 3 साल तक तो आप बेफिक्र हो जाओ, 3 साल के लिए ये लाइसेंस जो है वो वैलिड होता है। अब आ जाते हैं कार के लाइसेंस पे, कि कार के लाइसेंस का क्या सीन है। तो कार के लाइसेंस के लिए भी आपको जो है नॉलेज टेस्ट देनी है, हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट देनी है, और इसके बाद में आप कार की लाइसेंस टेस्ट देनी है। तो कार के लाइसेंस टेस्ट के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप गाड़ी चला सकते हो, आपको आपने यहाँ पर ट्राई करके देखा है, आपको पता है क्या है चलाना है, तो आप सीधा जो है वो लाइसेंस टेस्ट दे दो। लाइसेंस टेस्ट का जो भी $200-$250 जो भी होता है कार का वो आप पे करो और सीधा लाइसेंस टेस्ट दे दो। आप पास हो जाते हो तो आपको लाइसेंस आ जाएगा 4 वीक्स के अंदर। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हो यहाँ पर, या आपको मतलब यू नो काफ़ी लोगों को होता है, स्पेशली लड़कियों को तो काफ़ी होता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई हैव टू लर्न प्रॉपरली। सो अगर आपको यहाँ पे सीखना है तो फिर आप यहाँ पर जो भी लर्निंग के जो प्राइवेट आप जो लर्निंग की क्लासेस होती है वो $200-$300 डिपेंड है, सब लर्निंग क्लासेस की फ़ीस अलग अलग होती है, तो वो आप पे कीजिए। यहाँ पर आप पहले गाड़ी चलाना सीख लीजिए, आप कॉन्फिडेंट हो जाए, आपके पास फुल लाइसेंस है। पर हमें पता है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती ना उसे भी फुल लाइसेंस मिल जाता है। भाई ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया की, जो सही है, क्योंकि मैं ये कहूँगी क्योंकि काफ़ी सारे मैंने देखे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे उन्होंने गाड़ी चलाना, इंडिया में चलाई नहीं उन्होंने कार, पर उनके पास फुल लाइसेंस है, उन्हें चलानी आती नहीं, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं, पर उनके पास फुल लाइसेंस है।
सो इस केस में ये होता है कि अगर आप केस में क्या होता है कि आपको गाड़ी तो आपके पास लाइसेंस तो फुल होता है पर आपको गाड़ी चलाते आती नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होता है काफ़ी सारी जगहों पे, काफ़ी सारे इंडियन लाइसेंस में यही इशू हो जाता है कि लाइसेंस मिल जाता है पर हमें गाड़ी चलाते यहाँ पर नहीं आती है कार या कुछ। तो इस केस में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली पहले कहीं से सीख ले और उसी के बाद अपना लाइसेंस जो भी है कार का जो लाइसेंस टेस्ट होता है वो दीजिए ताकि आप उसमें सक्सेसफुली पास हो सको। और दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। इस चीज़ में आपको एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो है आपको कोई भी टेस्ट बुक कराने से पहले ध्यान रखना है कि एक टेस्ट क्लियर होने के बाद ही आप दूसरा टेस्ट यहाँ पर बुक करा सकते हो। तो इमीडिएटली आप जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पर टेस्ट बुक कराओ क्योंकि अभी बीच में जब यहाँ पर विक्टोरियन लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी किया गया था जब कोविड की पहले की सिचुएशन में आपको बता रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सीन हो रहा था कि नॉलेज टेस्ट के बाद आपको अगर हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट जो भी देना है उसके लिए भी मुझे दो दो महीना तीन तीन महीना वो टेस्ट देने के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा था। काफ़ी चीज़ें तो ये भी हो गई थी कि अगर आपको टेस्ट देना है तो यहाँ पर सेंटर अवेलेबल नहीं है, तीन महीने तक आपको तीन महीने तक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी और दूर के सेंटर में यहाँ से आई वुड से कि यहाँ से तीन घंटा दूर या चार घंटा दूर का सेंटर जो है यहाँ पे वहाँ पर आप जाओ और वहाँ पर आप टेस्ट दो अगर आपको इतना अर्जेंट है। तो ये चीज़ होती है। और जब तक आपका लाइसेंस टेस्ट होता नहीं है, जब तक आपका विक्टोरियन लाइसेंस नहीं आया तब तक ऑब्वियसली आप उबर इट्स तो ड्राइव नहीं कर सकते हो यहाँ पर। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो तीन चार महीने का जो है वो ऑब्वियसली नुकसान हो जाता है अगर आपको उबर इट्स के थ्रू पैसा बनाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप आओ तो आप बहुत ध्यान में रखो कि आपका जैसे ही नॉलेज टेस्ट क्लियर होता है हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट की डेट जितना जल्दी होती है आपकी, जितने जल्दी आप पास कर सकते हो जितने जल्दी आप डेट्स ले सकते हो और टेस्ट की उतने जल्दी आप लीजिए, नहीं तो यहाँ पे दो दो तीन तीन महीने की वेटिंग है। और 2021 अप्रैल के बाद में यहाँ पे बहुत कंपलसरी कर दिया है कि आपको विक्टोरियन लाइसेंस होना ही चाहिए है, क्योंकि पहले ओवरसीज़ लाइसेंस पे हम 6 महीने तक ड्राइव कर सकते थे और ओवरसीज़ लाइसेंस पे ही मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम चलाई है गाड़ी, लेकिन अब यहाँ पे जबकि लाइसेंस कंपलसरी हो गया था तो मैंने लास्ट जो मेरा 6 महीने थे पहले ही मैंने अपना लाइसेंस यहाँ पे टेस्ट क्लियर करके बनवा लिया था, तो मेरे लिए काफ़ी ये ईजी हो गया। तो अब मुझे ईजी नहीं, अब काफ़ी ईजी है कि तीन साल तक मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 साल बाद जो भी होगा मैं अपना लाइसेंस रीन्यू करवा सकती हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं। तो आप आओ तो आप अपना नॉलेज टेस्ट जो है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपना आते ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो नॉलेज टेस्ट है उसके जो डेट्स है आप वो जल्दी जल्दी बुक करा लो, जल्दी जल्दी देख लो कि कहाँ आपको अवेलेबल है और उस हिसाब से आप अपने टेस्ट दो। तो ये दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दी है कि कार और मोटरसाइकिल के लिए आपको $1,000 से अबाव स्पेयर करना पड़ेगा, $1,000 स्पेयर करने पड़ेंगे अगर आप पास हो जाते हो सक्सेसफुली, या पास नहीं होते हो फेल हो जाते हो किसी भी टेस्ट में तो आपको वो जो है वो कॉस्ट बढ़ेगा आपका। और सिमिलरली कार टेस्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो करना होता है, एक ही सिमिलर प्रोसेस है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो, जबकि जब भी आप मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया में आओ और आपको लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट कराना हो तो आई होप कि ये प्रोसेस आप फॉलो करो और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको और भी आते रहे और आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टिल दे बाय।